Hello everyone, today we will do the exercise of lesson 11, the old khaki. Let's start with the first question. Question is, who did khaki live with? Khaki jo thi, wo kiske saath rehti thi? Answer is, khaki lived with her nephew Buddhiram and his family. काकी जो थी वो अपने भतीजे जिसका नाम बुद्धिराम था उसके साथ वो उसके परिवार के साथ रहती थी। Now the second question is, who was Lardli? Lardli कौन थी? Was she sympathetic towards her काकी? क्या उसे अपनी काकी के प्रति सहानुभूति थी? जैसा कि आप सबने चैप्टर में पढ़ा है, Lardli was बुद्धिराम's only daughter. लाडली जो थी वो बुद्धिराम की इकलौती लड़की थी। Yes, she was sympathetic towards her काकी। हाँ, उसे अपनी काकी के प्रति सहानुभूति भी थी। Let's move to the next question. Question 3. What was the occasion for celebration in बुद्धिराम's house? बुद्धिराम के घर पे किस बात का celebration चल रहा था? क्या मौका था जिसका celebration वहाँ हो रहा था? It was the occasion of engagement celebration of Buddhiram's elder son. वहाँ बुद्धिराम के जो बड़ा लड़का था उसकी सगाई का occasion था, मतलब उसकी सगाई का प्रोग्राम चल रहा था। Question 4. Why did Kaki feel insulted? काकी को अपनी बेइज्जती क्यों महसूस हुई? Answer is, When Rupa saw Kaki, जब रूपा ने काकी को देखा, sitting close to the कढ़ाई, कि वो कढ़ाई के पास बैठी हुई हैं, she became angry, उसे गुस्सा आ गया, and shook Kaki and shouted abuses, और उसे चिल्ला चिल्ला के गालियां देने लगी। That's why Kaki felt insulted, इसीलिए काकी को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। Question 5. Why did Rupa apologize to Kaki? रूपा ने काकी से माफी क्यों मांगी? Did Kaki forgive him? और क्या काकी ने उसे माफ कर दिया? रूपा apologized for committing a blunder. उस दिन रूपा ने बहुत बड़ी गलती की थी by not serving food to Kaki. क्योंकि उसने काकी को भोजन नहीं दिया था when so many guests had enjoyed. जिस दिन उसके घर में बहुत सारे मेहमान आए थे और सभी एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उसे उसके बड़े लड़के की सगाई थी। और इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने पूछा था कि क्या काकी ने उसे माफ किया। यस, काकी फॉरगिव हर। हाँ, काकी ने उसे माफ कर दिया। क्वेश्चन 6. व्हाई डिड पंडित बुद्धिराम बिकेम रेड विद एंगर एंड व्हाट डिड ही डू? जो पंडित बुद्धिराम था वो गुस्से से लाल क्यों हो गया और फिर उसने क्या किया? When Kaki crept into the courtyard, जब काकी रेंगती हुई आंगन में पहुंची, where guests were having dinner, जहां पे सभी गेस्ट डिनर कर रहे थे, one of the guests raised an alarm, तभी एक गेस्ट उनमें से जोर से चिल्लाया that all should be careful of her, कि सभी इससे बच के रहना। Looking at this, ये देखते हुए बुद्धिराम जो था become furious, उसे गुस्सा आ गया। He caught Kaki, उसने काकी को पकड़ा with his hands and dragged her into the room, और उसे खींचता हुआ उनके रूम में ले गया। This is the last question of today. Question is, how should old people be treated? बूढ़े लोगों के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? ये क्वेश्चन सभी के लिए है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए इसके आंसर को ध्यान से सुनना और समझना। इट इज नॉट अ आंसर ऑफ अ क्वेश्चन ओनली, इट इज अ लेसन फॉर होल वर्ल्ड। लिसन केयरफुली। ओल्ड पीपल नीड केयर, बूढ़े लोगों को बहुत केयर की आवश्यकता होती है। लव एंड अफेक्शन, उन्हें बहुत प्यार और अपनेपन की आवश्यकता भी होती है। They should be treated with respect and good words. हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए और सम्मान से उनसे बात करनी चाहिए। Thank you everyone. मुझे लगता है इस लेसन में हमने बहुत कुछ सीखा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चल सके।